नमस्कार, मेरा नाम प्रेम शंकर सिंह है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MA है और मेरी प्रशैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। मैं शिवहर जिले में एक पुरनैया प्रखंड है, वहीं पे एक प्राथमिक विद्यालय हथिसार डीओडी टोला में पदस्थापित हूँ। वैसे तो मेरा जिला बहुत छोटा सा है, 5 प्रखंडों का एक जिला है और बहुत पुराना जिला नहीं है, तो छोटा सा जिला है, बहुत ज़्यादा विकास भी जिला का नहीं हो पाया है। लेकिन एक शिक्षक के रूप में मेरे विद्यालय में जो अच्छा हो सकता है मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। और मेरे विद्यालय में 120 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। जब मैं विद्यालय में ज्वाइन किया तो उस समय मैं एक जो समस्या देखा वहाँ पे कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते थे विद्यालय और उन साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते थे, वो बाल में कंघी नहीं होता था उनका, नख उनके बड़े हुए होते थे, तो मैंने इस चीज़ को मार्क किया। वैसे तो पढ़ाने के क्रम में मैं नवाचार का प्रयोग करता ही हूँ, लेकिन जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण लेना शुरू किया, प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तो मुझे जानकारी हुई कि बिना पैसे खर्च किए भी अर्थात शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से भी हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं उस तरीकों में गतिविधियों को शामिल करके और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। किसी विषय वस्तु पर बच्चों की समझ और अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। जहाँ तक बात श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ये जो अभी चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उसमें जो इनोवेटिव पाठशाला ऐप है उसके माध्यम से जो सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाने का, तो जो भी इसमें विषय वस्तु हैं और विषय वस्तु के अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को जो पढ़ाने के तरीके बताए गए हैं, जो गतिविधियाँ बताई गई हैं, वो काफ़ी रुचिपूर्ण है। इसमें शिक्षक को भी काफ़ी रुचि पैदा होती है बच्चों को पढ़ाने में और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेते हैं, काफी रुचि के साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं और वो काफी प्रभावकारी भी होता है। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे उनसे क्या सीखे, यह जानकारी भी हम वर्ग में ही ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा हमें यह लाभ हुआ कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसी पाठ को बच्चों तक कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे उसे क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही इस प्रशिक्षण में जो विभिन्न मॉड्यूल्स बताए गए उसमें यह भी बताया गया कि आज जो अभी कोरोना काल चल रहा है तो बच्चों को हम ऑनलाइन कैसे बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या माध्यम है उन तक पहुँचने का, जिसमें बताया गया कि आप जो जूम ऐप है उसके मदद से, गूगल मीटिंग के मदद से, फेसबुक लाइव की मदद से, इस तरह के कई ऐप्स हैं जिनके मदद से हम बच्चों के बीच पहुंच सकते हैं, बच्चों को हम अपना जो हमको बताना है उन्हें पाठ पढ़ाया जाना है वो हम उनको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन भी। तो इस तरीके से हमने ये अनुभव किया कि जो है ये हमारा जो ऐप है, आपको ZIIEI पाठशाला करके जो ऐप है उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा जो है लगा कि उसके माध्यम से बच्चों को अगर पढ़ाया जाए, और मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन करता भी हूँ। नवाचार तो वैसे भी मैं करता था वर्ग में, लेकिन ये जो आप ऐप है उसके मदद से और अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक जिनके द्वारा यह मंच प्रदान किया गया है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जिस तरह के अगर वो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं तो यह हम लोगों के लिए साथ ही बच्चों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।